लंदन में बेखौफ घूम रहे भगौड़े नीरव मोदी ने नाम बदलकर हीरे का कारोबार शुरू किया। कांग्रेस बोली मोदी है तो मुमकिन है। विदेश मंत्रालय ने कहा प्रत्यर्पण के लिए पहले ही ब्रिटेन को आवेदन भेजा जा चुका है। भारत के दो लड़ाकू विमान गिराने के पाकिस्तानी दावे को भारत ने झूठा करार दिया। कहा नए पाकिस्तान हो तो आतंकवाद के खिलाफ नया एक्शन लो। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बदली रणनीति। 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी टिकट देने का रास्ता साफ। चुनाव में जीतने की संभावना ही टिकट मिलने का आधार होगी। गुजरात के कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने बीजेपी में जाने की अटकलों का खंडन किया। कहा अपने लोगों के लिए कांग्रेस में ही रहकर लड़ूंगा लड़ाई। पीएम मोदी समेत बीजेपी नेता सभी मंचों पर बालाकोट हमले को भुनाने में जुटे। चिदंबरम बोले आम चुनाव में सिर्फ तीन मुद्दे होंगे, नौकरी नौकरी नौकरी। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने 1000 किलो विस्फोटक के साथ दो संदिग्ध इंद्रजीत और पद्मलोचन को गिरफ्तार किया। राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यूटर्न। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा राफेल के दस्तावेज चोरी नहीं हुए, याचिकाकर्ताओं ने फोटोकॉपी इस्तेमाल की। और पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति तोड़ी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।